मंजर देखने को मिला काफी दुखदायक हुआ है और उसके परिजनों को बुला के आज उनकी बॉडी पर सौंप दी जाएगी और जो सरकारी तरफ से आर्थिक मदद की सहायता घोषणा की है उसकी पूरी कार्यात्र की जाएगी। जी असल बात कुछ सामने आ पाई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल कर सामने आ पाया है। लापरवाही जो है, अगर सवालिया निशान लगाना है तो वो किसके ऊपर लगाना है और अगर जिम्मेदारी देनी है तो वो किसकी बनती है, क्योंकि मामला यहाँ पे जिंदगियों का है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो बिल्डिंग मालिक है और जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करते हैं, वो तो अपने किराए के लिए ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं वेस्ट की बिल्डिंग, जिससे कि वो कम पैसों में अपनी बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन उसका जो सामने का भुगतना पड़ता है, उसमें रहने वाला भुगतना पड़ता है, चाहे वो कोई बिल्डर हो या कोई इमारत का मालिक हो। तो निकल दिखे आप अभी प्रशासन जाग गया है, उसने बिल्डिंग मालिक और कॉन्ट्रेक्टर के खिलाफ संगीन अपराधियों के तहत अपराधी केस मामले के तहत उसकी कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा ना हो और ऐसी घटना ना हो उसको देखते हुए जो भी आगे नए जो भविष्य के लिए जो बिल्डिंग बनाएगा उसकी पूरी नई गाइडलाइन यहाँ पर बना दी जाएगी, ये आदेश कर दिए गए हैं। हालांकि इतना जरूर है कि गुरुग्राम में अगर देखा जाए काफी संख्या में अवैध निर्माण यहाँ पर चल रहे हैं और अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही है, अगर उनको शिकंजा कसा जाए तो ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसा हादसा ना हो। तो जिससे ये अभी प्रशासन गाजा साफ या प्रशासन पहले जानता कोई ऐसी निवाली बनाता जिससे की साफ जो युवाओं की जो लोगों की मौत हुई है वो अपनी मौत से जो उन्हें हाथ धोया है वो बच सकते थे, लेकिन देखा जाए कि अब प्रशासन गाजा अब कार्रवाई की बात बिल्कुल कर रही है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो अब की बात जो यही निकल कर सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से मदद का हाथ जो है वो गया है, जिंदगियों का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो राशि है 3 लाख की ये मृतकों के परिवार वालों तक पहुंचा दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है।